बैक टू माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। आज हम बना रहे हैं चिकन टमाटो मैक्रोनियाँ। हमने सबसे पहले डाली है जी छोटे छोटे चिकन, हम लोगों ने फ्राई किया। उसके बाद हम लोगों ने ढेर सारे टमाटो ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिए और उनको खुश करने के लिए हम लोगों ने रख दिया ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश हो जाए। इतने सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं वो हम लोग इसके अंदर डालते हैं। अब से स्पाइसी जी जो हम मैक्रोनी वो बनाते हैं। सबसे पहले जी डाल रहे हैं चिकन टिक्का मसाला, वो हम लोगों ने डाला जी 2 चम्मच। और उसके बाद हम इसको सबसे हिलाते रहेंगे, सबसे इन्ग्रीडियंट्स डालते रहेंगे। ये हल्की सी हम लोगों ने अजवाइन डाली है टेस्ट के लिए, अजवाइन पे कोडो में भी डाले, उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसके बाद जी हम डाल रहे हैं काली मिर्च, वो भी हम लोग डालेंगे 2 आधा चम्मच। जी हम बाजो मैक्रोनियाँ बना रहे हैं, या जब हम तकरीबन 15-20 लोगों के लिए बना रहे हैं। अब आज इसके बाद आएगी, हम लोगों ने डाला है पिसा हुआ अनारदाना, हम लोगों ने डाला है खट्टा टेस्ट मज़े का। और साथ साथ मैं उल्टे हाथ से हिलाई जा रही हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। और अब आया गया जी पेपर का पाउडर, इसका बारी है तो ये भी तकरीबन 2 चम्मच के हिसाब से ही डाला है। और अब आ गई है जी चाट मसाले की बारी, सही स्पाइसी सा होना ताकि रोज़ा रखा हो पता चले हम लोगों ने कुछ खाया। अब आ गए जी नमक की बारी, और दोनों मिर्च भी थोड़ा सा हम लोग डालेंगे, पहले ये देखेंगे कि इसका कैसा। अब आ गई जी गर्म मसाले की बारी, इंग्रेडिएंट्स देख लें सारे, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तभी कितने मज़े का टेस्ट है। अब आएगी जो जायफल जावित्री है, वो हम लोगों ने डाली, इसका टेस्ट इससे बहुत मज़े का था। और इसके अंदर जो जायफल जावित्री, जो लौंग इलायची, जो जितने होते हैं ना इसके इंग्रेडिएंट्स गर्म मसाले के, वो सारे इनको पीस के इसके अंदर जो डालते हैं उसका टेस्ट इसके अंदर बहुत मज़े का आता है। तब पता चलता है कि हम वो सही ना स्पाइसी वाली टमाटो वाली खा रहे हैं मैक्रोनियाँ। अब आएगी जी इसके अंदर शिमला मिर्च की बारी, जब तक टमाटर का जो है वो पानी बिल्कुल खुश हो गया, उसने घी छोड़ दिया है। और इसको हम थोड़ा सा भून के फिर उसके बाद हम और इंग्रेडिएंट्स अब डाल रहे हैं जी चिल्ली सॉस, सोया सॉस, टमाटर केचप, सारा कुछ इसके अंदर डालना है क्योंकि हम लोग आज हम बना रहे हैं किसी की फरमाइश पे, और हम लोगों ने खुद भी खाना है और जिनकी फरमाइश हम लोगों ने उनके घर में भेजना है। तो उन्होंने कहा कि सही स्पाइसेस हो, तो कुछ स्पाइसेस हम डाल रहे हैं अपनी मर्ज़ी से और कुछ उनकी मर्ज़ी से एक्स्ट्रा स्पाइसेस। रोज़ा खोलेंगे तो पता चलेगा कि आज हमने क्या खाया है। तो जी अब हम उसके बाद करने लगे हैं मैक्रोनियाँ मिक्स। तो छोटा पतीला हो गया था, बहुत था, तो बड़े पतीले में करने लगे हैं हम मिक्स। सारा मसाला इसके अंदर शिफ्ट किया हम लोगों ने और अच्छे से इसको मिक्स करके फिर जो है इसके अंदर हम लोग डालते हैं। और जो बंद गोभी हम लोगों ने काटी है, बंद गोभी हम लोगों ने 2 रंग की काटी है क्योंकि वो अच्छी लगती है, उसमें कलर उसका अगर ये वाइट वाइट होते हैं ना तो उसमें वो वाइट का और ये ग्रीन शिमला मिर्च का वह कलर की, तो फिर तो क्या ही लगता। तो ये जी अब जो और डाली हैं वो भी हम मिक्स कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोगों ने खानी, और भी आज और भी बहुत सारी डिशेस थी, बहुत सारी डिशेस बनाई है, कबाब बनाए, रोल बनाए, दही भले बनाए और सालन रोटी, बहुत सारी डिशेस बनाई। लेकिन आज हम लोगों ने मेन रेसिपी ये आपके साथ शेयर करनी थी, वो तो हम लोग वैसे भी बनाते रहते हैं। और यह जी और दोनों कलर की आ गई हैं जी बंद गोभियाँ, ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी। तो अब इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा दम लगाने के लिए रखते हैं। और आज हमारे बताइएगा कि हमारा जो है आज का यह कैसे लगा स्पाइसेस वाली, और नमक मिर्ची थोड़ा सा कम हो गई है, उन्होंने और स्पाइसेस डाल दिए। तो ये जी और हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाले सही जिनकी पसंद, जिनकी हम लोगों ने बनाए फरमाइश पे, और चाट मसाला आ गया और दड़ा मिर्च हम लोगों ने हल्के से डाले थे, हमने मैंने आपको दिखाई नहीं। और आज के ब्लॉग का ये एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़। हमें याद रखिए और बताएगा हमारी जो मैक्रोनी है वो आपको कैसे लगी, और आप लोग भी बनाएंगे कि आप लोगों की कैसे लगी। ये हम वीडियो बना रहे थे दूर हमारे ना इस पे दरख्त पे ना बहुत सारी आ गई हैं चमगादड़ें बैठी हुई हैं, रोज़ाना हमें बहुत तंग करती, बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट्स लाइक प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।